बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं कासिम नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 28 जुलाई 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन खास तौर पर KC 100 इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन रही, मार्केट की आज की जो क्लोजिंग हुई 40,276 की, तकरीबन 304 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोजिंग। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 119.042 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के दिन के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर WTL, TPLP, लॉटा केमिकल, TRG और सी एनर्जी जो है वो शामिल है। ये आज के दिन जो है तकरीबन 61 कंपनीज पॉजिटिव रही, 29 कंपनीज नेगेटिव और 10 कंपनीज जो ऐसी थी जो अनचेंज रही। सेक्टर वाइज की बात करते हैं, आज के दिन पॉजिटिव सेक्टर में कमर्शियल बैंक, इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड पर्सनल वगैरह पॉजिटिव रहे। आज के दिन जिस सेक्टर के अंदर नेगेटिवली देखी गई, दैट इज फर्टिलाइजर सेक्टर, केमिकल सेक्टर और ऑटोमोबाइल असेंबलर में नेगेटिवली देखी गई। आज का वॉल्यूम जो है पिछले तकरीबन 4-5 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है 75.4 मिलियन शेयर से आज काफी बेहतर वॉल्यूम हमें देखने को नजर आए। आज अगर बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो बुल्स में TRG, MCB, HPL, बैंक अल अभी, कोल सिस्टम वगैरह शामिल है, और बियर्स की बात करते हैं तो एफल, डिंडा, CPCL, एंग्रो, मिलर ट्रैक्टर जो है आज के टॉप बियर में शामिल है। ये मार्केट मैप की बात करते हैं तो आज मार्केट मैप में हमें टॉप में WTR, TPLP, TRG, लॉटा केमिकल, सी एनर्जी, PRL, यूनिटी, WGR, एग्रो फर्टिलाइजर, इसके अलावा जो है कुछ और AGL काफी प्रोमिनेंट हमें जो है वो नजर आ रही है। ज्यादा परसेंटेज जो है आज के दिन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादा परसेंटेज हमें आज के दिन TRG के अंदर, लॉटा केमिकल के अंदर, इसके अलावा जो है AGL जो है इसके अंदर काफी बेहतरीन नजर आ रही है। प्रेमा के अंदर पॉजिटिविटी अच्छी नजर आ रही है आज के दिन, और इसके अलावा जो है कोई और स्टॉक छोटा बड़ा कोई अच्छी परसेंटेज वाला जो है नहीं नजर आ रहा। नेगेटिव में आज एग्रो फर्टिलाइजर, इंडस, ये काफी परसेंटेज के साथ जो है INDU जो है इंडस, ये हमें ज्यादा नीचे नजर आ रही है। इसके अलावा जो है कुछ और स्टॉक अच्छी परसेंटेज के साथ, TPLT 4.64, नेट सोल भी आज काफी बेहतर रहा। ऑक्टोपस यानी IT सेक्टर जो है काफी आज के दिन बेहतर आई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन बाइंग देखी गई 0.324 बिलियन डॉलर की फॉरेन की तरफ से, और खास तौर पर IT सेक्टर का चलना और फॉरेन की बाइंग आना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि फॉरेन का जो इंटरेस्ट है वो IT सेक्टर की तरफ ज्यादा आई है। इसके अलावा बाइंग देखेगी हमें कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सेलिंग देखेगी इंडिविजुअल्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें सेलिंग देखेगी। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज कैंडल जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है आज के दिन बनी। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ और खास तौर पर नीचे मैंने एक इंडिकेटर MACD लगाया हुआ है, और MACD के अंदर भी पिछले तकरीबन 3 दिन से या 3-4 दिन से जो है हमें बेहतरी जो है वो नजर आ रही है। ये जो खास तौर पर हमारा हिस्टोग्राम है उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गया है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट ये डाउन ट्रेंड जा रहा था काफी नीचे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि अब हिस्टोग्राफ ऊपर की तरफ गामजन है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि अब जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ जो है हमें आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। इसके अलावा जो है आज के दिन की मार्केट मूवमेंट को अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने मूव कैसे किया, खास तौर पर ये मार्केट का स्टार्ट हुआ तकरीबन यहाँ से, मार्केट शुरू में ही पॉजिटिव रही, बेहतर मार्केट ने परफॉर्म किया और ऑलमोस्ट मार्केट ने जो आज के दिन अपना एक हाई लगाया उसको भी हम यहाँ पर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मार्केट ने अपना ये हाई लगाया और इस हाई को मार्केट ने 2-3 दफा यानी कि इसको टेस्ट किया, और फिर तकरीबन 3-4 दफा टेस्ट करने के बाद ये लेवल काफी रेजिस्ट किया। इस लेवल ने मार्केट को 40,570 से लेकर तकरीबन 40,600 के राउंड अबाउट, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है।
और इसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर सेलिंग प्रेशर आया मार्केट के अंदर। तो ये एरिया जो है मार्केट के लिए आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है खास तौर पर, और इसके अलावा सपोर्ट एरिया की अगर मार्केट की बात करते हैं ऑलमोस्ट ये जो एरिया है 39,600 के राउंड अबाउट, या आज के दिन जहाँ से मार्केट ने आखिरी टाइम रिकवरी किया है ये एरिया जो है 40,094 का, ये भी मार्केट का एक सपोर्ट एरिया जो है वो बन सकता है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो सवाल जो है मैं वन बाय वन जो है वो ले लेता हूँ खास तौर पर। सबसे पहले जो है हमें सवाल पूछा गया सवाल है जी, एक मिनट जी, रफीक साहब है आपने सऊदी अरेबिया से पूछा, आपने पूछा डीजी केसी को किससे रिप्लेस किया जाए और ट्रीट को किससे रिप्लेस किया जाए। जी सर, डीजी केसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीजी केसी मेरे ख्याल में तकरीबन काफी लो रेट पर मौजूद है, 50-53, ये इसका काफी बॉटम है ये। तो बेहतर ये है कि डीजी केसी तकरीबन आप देखें जब कोविड के हालात है तो डीजी केसी 47 पर आया हुआ था, ये तो बहुत बुरे हालात है मार्केट के, इंडेक्स 28,000 पर आ गया था ऑलमोस्ट, तो उस रेट पर डीजी केसी आ गया, तो बेहतर यह है कि फिलहाल किसी के साथ भी रिप्लेस ना किया जाए, होल्ड करें यहाँ पर अगर पैसे हैं तो थोड़ा होल्ड ले लें जब ये 50 रुपए से नीचे आए। ट्रेड की एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये 25 रुपए तक ये आ सकता है, तो ये काफी इसका स्ट्रोंग एरिया है सपोर्ट का ट्रेड का, तो बेहतर ये है कि इसको भी किसी से रिप्लेस ना करें, होल्ड ले सकते हैं यहाँ पर ये बेचने वाले रेट नहीं है ये। मुदस्सर साहब है श्याम से, आपने पूछा जी एच एन आई और एवीएन और बाइंग रेट आपने पूछे। जी एच एन आई की सर अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल जी एच एन आई काफी आप देखेंगे इस लेवल पर जो है वो कंसोलिडेट हो रही है, तो ये काफी अच्छा एरिया है। आप इसको तकरीबन अगर आप यहाँ से इसको ड्रा करें तो ये सारा इसका बाइंग जोन है जो 138 से लेकर 170 तक ऑलमोस्ट जो है ये एरिया जाता है, तो यहाँ पर आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ये। और इसी तरह एवीएन की अगर आप लोग बात करते हैं तो एवीएन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 70-80 रुपीज के राउंड अबाउट ये, तो आप ये देखें जब से ये 80 रुपीज से नीचे है, अभी 67 का ऑलमोस्ट लो लगाकर यहाँ से ये बाउंस बैक हो चुका है, तो ये रेट जब तक ये 80 रुपीज से नीचे नीचे है ये काफी अट्रैक्टिव रेट है, कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 85, 86, 90, फिर इसके बाद ये लेवल क्रॉस करेगा तो 91, 92 ऐसे करके 100 से क्रॉस करेगा फिर ये। सैयद काशिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कैन यू प्लीज एडवाइस शुड वी एक्युमुलेट एजीएल बिग क्वांटिटी। जी सर, एजीएल जो है ये काफी अच्छा स्टॉक है एग्रीटेक लिमिटेड, अभी रिसेंटली इसने बॉटम लाया 5 रुपए का, और अब चल से आई एम कासिम नबी और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेताशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर चार्ट स्टिक पैटर्न्स इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है
ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में, खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। चाल वाला काम है, इसकी खबरें काफी चल रही थी पिछले दिनों, जो है आपसे मैंने काफी शेयर भी किया। अगर आप मेरे जूम सेशन रेगुलर देखते हैं तो इसका कम से कम टारगेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 15 रुपये तो है ही है। तो आप HEL को बिल्कुल ले सकते हैं, HEL के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ये। और आपने पूछा इत्तेफाक जो है ये काफी आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है ये इत्तेफाक सर काफी, यानी कि स्टॉक जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने लो रेट पर मौजूद है। थोड़ा सा इसको और नीचे आने दें, 5 रुपए से नीचे नीचे वहां पर आप इसको बाय करेंगे तो ये काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। जी नासिर तुफैल साहब है, आप कह रहे हैं कि हाउ द मार्केट विल बिहेव टुमारो फ्राइडे, एग्रो फर्टिलाइजर रिजल्ट वर नो रोड शो लॉस इन जून क्वार्टर रिजल्ट नो डिविडेंड आल्सो। जी सर, इसीलिए शायद आज एग्रो फर्टिलाइजर जो था आज नेगेटिव क्लोज हुआ। स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक ये काफी अच्छा है। रिजल्ट एक क्वार्टर का ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये काफी अपनी पीक पर था, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अगर आपने लिया हुआ है तो, और अगर लेना है तो इसको 70 रुपए से नीचे आने दें, वहां पर लिया जा सकता है ये। बाकी आप देखें कि कल जो है रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है, कई लोगों ने जो है आपने देखा होगा कि पीछे जो पंजाब की गवर्नमेंट चेंज हुई है तो लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की होगी, उनका ख्याल होगा कि मार्केट और ज्यादा नीचे आएगी तो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की होगी। तो आज के दिन जो है मार्केट बेहतर थी, लेकिन ब्रोकर फर्म ने जो है उनकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को क्लियर करना होता है तो रेगुलर स्टॉक उनके बेचने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हो सकता है कल के दिन भी शॉर्ट सेलिंग के माल को, जो लेवरेज पर लिया हुआ माल को क्लियर करने के लिए कल का दिन भी वक्ती थोड़ा सा प्रेशर हमें पहले सेशन में नजर आ सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि उसके बाद मार्केट हमारी बेहतर है। काशिफ साहब है कराची से, आपने पूछा जी टैक का बाइंग जोन और नेशनल फूड के बारे में आपने पूछा। सर फिलहाल जनरल टेक्नोलॉजी जो है इसका अगर आप लोग बाइंग जोन की बात करते हैं तो ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है, 7 रुपए से लेकर 8 रुपए के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है, इसको लिया जा सकता है ये। और इसके अलावा जो है नेशनल फूड की अगर हम लोग बात करते हैं, नेशनल फूड भी सर ये भी मेरे हिसाब से अपने बॉटम रेट पर है, 138 रुपीज के राउंड अबाउट, यानी 130 से लेकर 140 के दरमियान या 130 से लेकर 150, ये सारा ही इसका बाइंग जोन मुझे नजर आ रही है। नईम साहब है कराची से, GHNL आपने पूछा, आपने लिया हुआ है, आई थिंक 74 की बाइंग है, बहुत स्लो चल रहा है सर फिलहाल, ये आपके रेट से काफी नीचे है। स्टॉक बुरा नहीं है, कम से कम इसका जो टारगेट है वो 78 रुपीज से लेकर 85 रुपीज तक कम से कम इसका टारगेट है, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है। माजी में 120-130 ये स्टॉक बड़े इजीली जो है वो पहुंच जाता था, तो बेहतर ये कि इसको किसी से रिप्लेस ना करें, अगर पैसे हैं तो इस पे और ऐड करें। जब ये आ जाए तकरीबन जो है 50 रुपए से नीचे नीचे, यानी कि 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के दरमियान। पैसा मैं कनाडा से, आपने पूछा मैं स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो और AVN DTKCS GPC नाइजीरिया चैनल आल आर आर मोस एट प्रेजेंट रेट, डू यू थिंक आई शुड मेक चाइनीज स्टैंड्स फॉर योर गाइडेंस। जी सर, जो है अगर आपने इन सब को करंट रेट जो इनका चल रहा है उन्हीं पर अगर आपने लिया हुआ है तो ये बहुत जबरदस्त रेट पर आपने लिया हुआ है। AVN हो गया, DTKCS, GP अभी 31-32 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये आपने बहुत अच्छे रेट पर लिए हुए, अगर करंट रेट पर लिए हुए तो इन्हीं के अंदर और ऐड करें और छोड़ दें इनको। इंशाल्लाह यही स्टॉक आपको जब जरा से मुल्क की इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होगी तो मार्केट जब ऊपर चलेगी तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अहमद साहब है कराची से, आपने पूछा कि कोसम आपने लिया हुआ है तकरीबन 3.30 का और पेस भी आपने लिया हुआ है 3 रुपए का, ये सर ये अभी 3 रुपए से कोसम नीचे है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कम से कम भी कोसम का जो टारगेट है वो 4.5-4 के करीब टारगेट बनता है, तो ये परेशानी वाला स्टॉक नहीं है। अगर कहीं ये नीचे आ जाता है 2.5 रुपए पर या इसे नीचे तो और ले बेचे ना। और ये यहाँ जो है पेस पाकिस्तान का है, पेस पाकिस्तान इसने तकरीबन 8.5 रुपए का हाई लगाया,
कम से कम जो इसका टारगेट है वो 5 रुपए का टारगेट है, और ये काफी अभी अट्रैक्टिव रेट पर है। अगर कहीं और थोड़ा नीचे आ जाए, 2.5 रुपए से नीचे नीचे ये भी, तो इसमें और ऐड करें, बेचे ना इसको। ये इमरान हैदर साहब है, आप कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट अबाउट मैपल लीफ सीमेंट के बारे में आपने पूछा। मैपल लीफ जो है, इसके बारे में आपने क्या पूछा? सजेस्ट अबाउट मैपल लीफ, आपने लिया हुआ है तकरीबन 30 रुपए का। ये मैपल लीफ जो है सर, ये काफी सीमेंट सेक्टर में अच्छा स्टॉक है। वक्ती तौर पर ये नीचे है, तो सीमेंट सेक्टर ओवरऑल जो बड़े बड़े खंड किस्म के जो स्टॉक है सीमेंट के, चाहे आप लकी को देखें, चाहे आप चीरा सीमेंट को देखें, चाहे आप DGKC को देखें, तकरीबन सारा ही सीमेंट सेक्टर जो खासतौर पर इंटरनेशनल कोल प्राइसिस की वजह से प्रेशर में है। ये थोड़ा सा सबर करें, जरा सा डॉलर हमारा अगर थोड़ा कंट्रोल हो गया, इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी, और कोल की ये जो मसला है ये थोड़ा सा हमारा हल हो गया, तो सीमेंट सेक्टर दोबारा बेहतर हो सकता है। ये तो यहाँ पर जो है मैपल लीफ यहाँ पर रखने वाला है, यहाँ पर इसको आप बेचे ना, क्योंकि ये बेचने वाले रेट भी है, ये इसके लेने वाले हैं। थोड़ा सबर करेंगे, शायद आपके रेट पर आ जाएगा ये। सैरुल्ला साहब है, आपने अटक रिफाइनरी और HTR के बारे में बता दें, काफी दिनों से एक्युमुलेशन में है। जी सर, जब एक्युमुलेशन में होता है तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन, इसको हम कहते हैं, तो वहां पर टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। हो सकता है अटक रिफाइनरी आने वाले दिनों में 130 रुपये और 120 तक आ जाइए, लेकिन यहाँ पर परेशानी वाली बात है, ये स्टॉक काफी बेहतर है। ये कम से कम भी जो इसका टारगेट है, अभी रिसेंटली ये 182 को टच करके नीचे आया, फिर अपना एक स्विंग कंप्लीट करेगा, नीचे आएगा, अपना स्विंग जब लो का कंप्लीट होगा तो फिर अपर स्विंग में शुरू हो जाएगा ये। इसी तरह जो है HTL भी काफी लो रेट पर मौजूद है, ये एकोमोडेट हो रहा है तकरीबन 35-36 रुपए के राउंड अबाउट। तो ये काफी इसके अच्छा यानी एरिया है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, अर्निंग भी इसकी बेहतर है, और कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 40 रुपए से लेकर 45-50 रुपए वाला ये स्टॉक है। ये जी राय साहब है गोटकी से, WTR की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या है? WTR से मैं कई दफा कर चुका हूँ कि ये आपको पैनिक कर रहा है WTR, और ये हो सकता है ये 1 रुपया 90 पैसे यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। ये फिलहाल जो है इसकी सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल 95 पैसा बनती है ये, तो हो सकता है आपको पैनिक करने के लिए ये 95 पैसा या 80 पैसे तक आ जाए, वहां पर थोड़ा सा रुके और आप लोग पैनिक हो जाए इसके अंदर, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना इसके बारे में। जो है वो आप इसका सिर्फ वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो इसके अंदर एक्युमुलेशन हुई है, और 2 साल से ये तकरीबन वॉल्यूम लीडर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, ये तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। पैनिक ना हो, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। ये वफाउल्लाह साहब ने एफर्ट का रिजल्ट शेयर किया, और एफर्ट की बाइंग, एफर्ट सर अभी डिस्कस कर चुका हूँ, 70 रुपए से नीचे आए तो लिया जा सकता है ये। बाजी साहब UAE से, आपने कहा एफर्ट ने बोर्ड डिसअपॉइंट किया है, डिविडेंड नहीं दिया, इसकी प्राइस कितनी लो तक जा सकती है? सर आपसे भी आज क्या, अगर ये कहीं 70 रुपए से नीचे आ जाता है, आ भी सकता है, और तो यहाँ पर ये काफी बेहतर हो सकता है। मुनीर साहब है कराची से, आपने पूछा क्वाइसिस डिफॉल्ट सेगमेंट शुड बी ऑल दीज एज तैयारी लॉस। क्वाइस सर जो है, क्वाइस से अगर आप तंग है तो क्वाइस को आप कोस्टम वगैरह से या बेस पाकिस्तान से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे एक मेंबर है, उन्होंने पता करवाया अपने तौर पर, तो क्वाइस का कह रहे इतना बड़ा कोई डिफॉल्ट का इश्यू नहीं है, और बहुत जल्द ये डिफॉल्ट से बाहर निकल जाएगा ये। तो ये तकरीबन आप लोगों के सवाल थे जो मैंने कोशिश किया है कि वो ले लूँ। और आज जैसे मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी मार्केट इन द लॉन्ग रन काफी बेहतर है। इंडेक्स आपको ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, इसकी मेन वजह ये है कि ऑलरेडी स्टॉक काफी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि नीचे आ चुके हैं। ये प्राइसेस काफी हद तक स्टॉक की रिड्यूस हो चुकी है, स्टॉक नीचे आ चुके हैं, औने पौने दामों पर आपको स्टॉक्स मिल रही है, तो ऐसे में बॉटम रेट पर जो स्टॉक आप मौजूद है, यहाँ पर स्टॉक लेने वाले हैं और होल्ड करने वाले हैं जो ऑलरेडी लिए हुए हैं वो इस लेवल पर बेचने वाले कम अज कम नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को होल्ड करके रखें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, इंशाल्लाह आपको ये कुछ ना कुछ रिटर्न दे के जाएंगे। ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।